और इज़राइल का स्टेरोट शहर, ये वो शहर जहां सबसे ज्यादा बम शेल्टर बनाए गए हैं। शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर हर जगह सुरक्षा के लिए ये बंकर बनाए गए हैं। तेल अवीव से जेरोट करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब हम तेल अवीव से यहाँ पहुँचते हैं, तेल अवीव इधर है, और तेल अवीव से जब हम आते हैं तो जेरोट में पहुँचने का मुख्य प्रवेश द्वार यही है। एक एस्केलोन की तरफ से जब जाते हैं और दूसरा तेल अवीव की तरफ से आते हैं। यहाँ भी जब हम पहुँचे तो आपको शहर में घुसने से पहले स्वागत बॉम्ब शेल्टर ही करेंगे। बॉम्ब शेल्टर इसलिए क्योंकि ये दुनिया की बॉम्ब शेल्टर की राजधानी है। इससे ज़्यादा बॉम्ब शेल्टर आपको दुनिया के किसी दूसरे बड़े या छोटे शहर में नहीं मिलेंगे। एक आप इधर देख रहे हैं, दूसरा आप इधर बॉम्ब शेल्टर देखिए, हर तरफ आपको बॉम्ब शेल्टर देखने को मिलेगा। बस स्टैंड के बगल में, आपको हर जगह बॉम्ब शेल्टर इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो करीब 300 इस तरह के बॉम्ब शेल्टर आपका स्वागत कर रहे होते हैं कि अगर कहीं से मिसाइल आपको हिट करने वाला होता है, अगर सायरन की आवाज़ आती है तो आप तुरंत से 15 सेकंड के अंदर आप बॉम्ब शेल्टर में जाकर घुस जाएं। तो तेल अवीव से जब हम प्रवेश कर रहे हैं एस्टेरोट में, तो वहाँ की स्थिति क्या है वो आपको देखने ही बनती है। जंग लगातार जारी है और हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपनी ढाल बनाकर इजरायली सेना से जंग लड़ रहे हैं और उन पर गोलियों की बौछार लगातार कर रहे हैं। इसका एक और सबूत इजरायल की सेना ने एक वीडियो के जरिए दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके रात के अंधेरे में अपनी सुरंग से बाहर आते हैं और बारूद लेते हैं और फिर सुरंग में चले जाते हैं। ये सुरंग वहां के दूसरे बड़े अस्पताल के नीचे बनाई गई है। इस तस्वीर को देखिए, कुछ नजर आया? अगर नहीं समझे तो दोबारा गौर से देखिए। एक तस्वीर है, तीन शख्स है, पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स। एक रास्ते से निकलते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये हमास की वो बारूदी सुरंग है जहां जिंदगी आसानी से काटी जा सकती है, जहां रहना आसान है, जहां इजराइल के किसी भी हमले का असर शून्य के बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहां है, वो दावा हैरान करने वाला है। इजराइल सेना के मुताबिक ये गाजा का शेख हमद अस्पताल है। शेख हमद अस्पताल। दावे के मुताबिक इस तस्वीर से इतना साबित होता है कि हमास गाजा में अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास गाजा में चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर रहा है। शेख हमद अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास हमास की सुरंग का यह द्वार पूरे नेटवर्क को जोड़ता है। रात के अंधेरे में एक सुरंग से दो शख्स निकलते हैं, तीसरा ऊपर खड़ा उन दोनों को कुछ सामान देता है और वो फिर से नीचे चले जाते हैं। क्या ये वाकई सच है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपना कवच बनाए हुए हैं और उस कवच की आड़ में तबाही का इतिहास लिख रहे हैं? इस सच को जानने के लिए शेख हमद अस्पताल की दिन की तस्वीर को भी देखिए। वही जगह है, जमीन के अंदर जाने वाले वही रास्ते हैं। दावे के मुताबिक हमास के लड़ाके इन रास्तों के अंदर जाते हैं और बारूद और रसद की सप्लाई रात के अंधेरे में की जाती है। एक गाड़ी जो रात के वक्त इस अस्पताल के परिसर में पहुंचती थी, उसके वहां गुजरने के निशान अब भी पूरे रास्ते पर हैं। सुरंग नंबर एक। अस्पताल के मुख्य द्वार से महज 4 कदम की दूरी पर यह पहली सुरंग का रास्ता है। सुरंग नंबर दो। अस्पताल के मुख्य द्वार के बाईं तरफ पीछे की ओर ये दूसरी सुरंग का रास्ता है जहां से हमास के लड़ाके अंदर दाखिल होते हैं। गौर से देखें तो इनमें नीचे उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियां तक हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये तार जो सुरंग के रास्ते से निकलता है और अस्पताल के अंदर तक जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सुरंग में रोशनी के लिए बाकायदा बिजली की सप्लाई भी अस्पताल से की जा रही है। यानी एक सुरंग को आतंक का अड्डा बनाने में अस्पताल अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस सुरंग में खाने से लेकर पानी तक, रॉकेट से लेकर बारूद तक,
हर उस सामान की सप्लाई की जाती है जिसकी हमास के लड़ाकों को जरूरत है। यानी हमास ने पहले ही इसराइल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। जाहिर तौर पर जान बचाने के लिए अस्पताल से गाजा पर परमाणु हमले की मांग करने वाले हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने किया और जिंदगी गुजारने भर का खाना भी वक्त वक्त पर मिलता रहेगा। अस्पताल का नाम होगा तो शक और टारगेट मिसाइल की रेंज में भी अस्पताल नहीं आ सकेगा। ये वही अस्पताल है जिसको लेकर इजराइल दावा करता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसका ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ आदेश लोग भी हैं और इन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के बीच छिपे हैं हमास के हजारों लड़ाके। प्रवक्ता ने दावा किया कि हमास लड़ाकों ने शेख हमद बिन खलीफा बिन थानी अस्पताल के अंदर से इजरायली जमीनी सैनिकों पर भी गोलीबारी की है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना का दावा तो ये भी है कि इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां हमास के लड़ाके जमे बैठे हैं, जिनसे जुड़े सबूत भी जल्द जारी किए जाएंगे। की मांग पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री, कहा ये मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है। हमास इजरायल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच रही है। ग्राउंड जीरो से जाबाज रिपोर्टिंग लगातार आपके सामने आ रही है कि क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। जावेद हमारे सहयोगी लेबनान से हमारे साथ है, तो वही नीरज हमारे साथ इसराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट इसराइल की ही जमीन से पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे पहले जावेद आपकी तरफ रुख करेंगे, हम हर तस्वीर देख रहे हैं, खौफनाक से खौफनाक, खतरनाक से खतरनाक तस्वीर। क्या भविष्य फिलहाल अभी और खतरनाक स्थिति यहां पर दिखाता है? देखिए, मेरी मौजूदगी लेबनान में है और लेबनान में जो इसराइल को चुनौती दे रहा है वो हिजबुल्ला दे रहा है। देखिए, हम बिल्कुल लेबनान इसराइल बॉर्डर पर है और हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आप इसराइल का हिस्सा दिखाएंगे। वो जो आप टावर देख रहे हैं, किरात शिमोना इलाका है। किरात शिमोना अभी पिछले कई दिनों से आपने खबरों में सुना होगा, लगातार हिजबुल्ला किरात शिमोना में अटैक कर रहा है। ये वही लोकेशन है जो कि लगातार हिजबुल्ला की जद में, हिजबुल्ला के हमलों की जद में है। और उस तरफ से ये जो जिस जहां हम मौजूद हैं, ये पूरा इलाका जो है ये हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लगातार ये जंग तेज़ हो रही है, इन इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी मरजयून एक इलाके का नाम है, वहां पर है, और इसके आसपास कफर केला, कफर शोभा, ये जैसे इलाके हैं जहाँ पिछले कई दिनों में हमलों में तेज़ी आई है। आप देखेंगे जो पूरी रिहायशी इमारतें आपको इस तरफ नज़र आएंगी, ये कफर शोभा का इलाका है जहाँ पिछले एक दो दिन में लगातार हमले किए हैं। और देखिए, हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच लगातार तेज़ी से हमले तेज़ हो रहे हैं। जो हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की स्पीच के बाद उसमें ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। तो लगातार इजरायल हिजबुल्ला को ये चेता रहा है कि आप इस जंग से दूर रहें, इसके अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। और वो पिछले कई दिनों से हमें यहाँ महसूस हो रहे हैं, लगातार जब आप इस इलाके में घूमते हैं तो धमाकों की आवाज़ आती है दूर दूर। आज भी इसराइल ने नाकोरा और अलमशाब जैसे इलाकों में अटैक किया है, दो जगह अटैक किए गए हैं। तो लगातार ये जो पूरा इलाका है जंग का मैदान है, जहाँ हमारी मौजूदगी है इन जगहों पर भी लगातार धमाकों की आवाज़ें रह रहकर आती हैं और ये हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इसराइल की जद में ये पूरा इलाका आया हुआ है। इसके अलावा एक मोर्चा जो हमास के खिलाफ खोला हुआ है इसराइल ने, वो मोर्चा, तो इसराइल को दो फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है जी। और यहाँ पर जावेद हम देख रहे हैं कि सिर्फ नुकसान वहां पर ही नहीं हो रहा है, इसराइल को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप बने रहिए जावेद हमारे साथ, नीरज का भी रुख कर लेते हैं जो इस वक्त इसराइल से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जैसे ही ये जानकारी मिली हमास को कि गाजा को चारों तरफ से इसराइल की सेना ने घेर लिया है, उसके बाद हमास भी बहुत ज्यादा और हमले अपने तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसराइल में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति नजर आ रही है नीरज? देखिए, बिल्कुल गाजा के करीब है हम लोग, न्यूज 18 इंडिया की टीम गाजा के करीब, और गाजा में जो बमबारी हो रही है, हवाई हमले हो रहे, टैंक और तोप से हमला हो रहा है, जमीनी कार्रवाई तो इजराइल की तरफ से की जा रही है, वो आपको न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे इस वक्त लगातार वो गुब्बार, अब से महज 5 मिनट पहले वो हमला हुआ है और न्यूज 18 इंडिया पे आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। और ये जो गुब्बार है, बड़ा गुब्बार, पूरा आसमान जो है काला हो गया है और लगातार हमला किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ लगातार इस तरह के हमले को अंजाम दे रहा है और वहां आपको काला धुआं दिख रहा है और उसके ठीक पीछे सफेद धुएं के गुब्बार भी उठने लगे हैं। तो लगातार इस पूरे इलाके में जो उत्तर गाजा का इलाका है, वहां न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। 30 दिन बीत गया है लेकिन आईडीएफ और इजराइल की वायुसेना, थल सेना और जो जल सेना है, तीन तरफ से हमले कर रहे हैं और ये काला गुब्बार आपको
न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लगातार यहाँ धमाके फायरिंग की आवाज आ रही है। और जो वो लोकेशन अभी आपको सामने दिख रहा है जहां से काला गुब्बार उठ रहा है, उस लोकेशन को आज पिन पॉइंट किया है आईडी अपने, वहां एक के बाद एक हमले हुए हैं। और पूरा आसमान गाजा का, जो दिन में आपको काले गुब्बार से भर गया है, इस वक्त रात में आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आग के शोले दिख रहे थे, रात में ये गुब्बार, सफ़ेद गुब्बार आपको नहीं दिखता है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा से महज 800 मीटर की दूरी पर है। दो दिन पहले भी यहाँ एक मोर्टार हमास की तरफ से मारा गया था। तमाम पत्रकार, जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, वो बाल बाल बचे थे, लेकिन इस वक्त हम गाजा बॉर्डर से महज करीब धुएं की दूरी से आपको अंदाजा लग सकता है कि हम कितने करीब हैं। सबसे करीब के शहर, सबसे करीब के बॉर्डर से न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है। जी